जी स्टार्ट करेंगे हम आज। मेरे पास कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, लाइक ये हमारे पास आपके सामने D1 एक सवाल है, ये स्प्रिंग 2015 में आया हुआ बेटा, स्प्रिंग 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ। ये क्वेश्चन रीड करेंगे सब लोग, क्वेश्चन ये D1 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, सब लोग रीड करें। आई विल गिव यू एन आइडिया, ये पूरा सवाल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बना हुआ है, हमने इसको मार्जिन कॉस्टिंग के थ्रू बनाना है। चले ये क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही, कैन यू हेयर मी बेटा? सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर भी आ रही है? और स्क्रीन 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 नजर आ रही सबको? ठीक है, क्वेश्चन रीड करेंगे, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, इसका मतलब वो पूछा उसने, ये आपने बताना मुझे, यू विल टेल। अभी बरल अभी आप इसको रिप्लाई करेंगे, अभी नहीं, अभी इसको रीड आउट पहले कर लें। दूसरी चीज है कि कहता है प्रिपेयर द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करके हुए ये बजटेड स्टेटमेंट बनी हुई 2015 में, बजट 2015 बना हुआ है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करके बना हुआ है, हमने इसको मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू बनाना है। तीसरी चीज, एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड प्रॉफिट डिटरमाइन एंड द एब्जॉर्प्शन मार्जिन, ये थोड़ा सा हमने डिस्कशन करना है इसके ऊपर। खैर क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से रीड आउट कर लें। हाँ जी, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। सिग्मा लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट ए, एसएल ऑपरेट, प्रोडक्ट ए को बनाते हैं ये, सिग्मा लिमिटेड करता है। सिग्मा लिमिटेड ऑपरेट एट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द 90% गेट्स इज अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द 50,000 मशीन आवर्स। तो कितनी इसकी कैपेसिटी, कितने मशीन आवर्स की कैपेसिटी है? 50,000 मशीन आवर्स की कैपेसिटी है, लेकिन वो कितने मशीन आवर्स पर ऑपरेट कर रहे हैं? वो फॉर 90% का, तो 50,000 इंटू 90% लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा बेटा। तो 45,000 वो कैपेसिटी पे काम करें, मीन इतनी उनकी नॉर्मल कैपेसिटी है, यानी अब्सॉर्प्शन में हम जो हमने यूज किया होगा वो 45,000 यूज किया होगा, एंड यूज इज अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक हो गया। द फॉलोइंग इज समराइज्ड प्रॉफिट स्टेटमेंट were extracted from the SL budget for the year ending 31st December 2015. So, आपको actual 2015 भी दिया है, budget 2015 भी दिया है, sales दी हुई है आपके, opening inventory दी हुई है, units भी दिए हैं आपको, 4600 sale है हमारे पास, 600 के हमारे पास opening units हैं, production कितनी हुई, 4500 units की production हुई है, closing stock 500 units का हमारे पास, और इसकी value भी given है हमारे पास सबकी। अंडर ओवर एब्जॉर्ब अंडर एब्जॉर्प्शन कितनी हुई एक्चुअल के अंदर? 100,000 की हुई जनाब। ठीक हो गया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना? 30% फिक्स है, तो इसको मतलब बाकी वेरिएबल है। नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास? नेट प्रॉफिट, हाँ जी, ठीक हो गया, दोनों के नेट प्रॉफिट भी गिवन है हमारे पास। अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर,
स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट के कितने मशीन आवर्स चाहिए, एक्चुअल में भी और बजटेड में भी 10 आवर्स चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट कितना हमारे पास, वो बताया हुआ कि ओवरहेड का रेट कितना है। एक्चुअली 2000 के चला, लेकिन हम प्लान किया था 2250 का हमने। एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी, हाँ जी 2014 में एक्चुअल जो हमारी जो ओवरहेड्स हैं वो कितने इंक्रीमेंट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी उनकी, नहीं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने इंक्रीमेंट नॉर्मल कैपेसिटी पे, तो 3600 के में हमारे पास। तो ये हमें वैल्यू दी हुई 3600, ये इस तरह से हमें ये वैल्यू गिवन है। अच्छा बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, ये 3600 और फिर आगे 00 हमारे पास है, ठीक हो गया। इसके बाद हमें क्या गिवन है, इसके बाद बेटा इसके बाद हमारे पास यहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, हमें एक्चुअल मशीन आवर्स 44,000 आवर्स को यूज करते हुए वो भी दिए हुए हमारे पास, 8,050 दिए हुए हमारे पास। पहली चीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, हाँ जी बताएं जरा, रिप्लाई करें सब लोग बेटा, एक मिनट लेंगे मुझे जल्दी बताएंगे, रिप्लाई करेंगे सब लोग। ये क्या मतलब है अंडर ओवर, सिंपल दो नंबर में आपको पूछ रहा है, अंडर ओवर एब्जॉर्ब होता क्या है, क्या इसका आप क्या मतलब क्या समझते हैं आप उसको, सब लोग रिप्लाई करें। सिर्फ आपने ये बताना है अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमने इसमें ये बताना होता है कि हमारे जो हमने हम पहले OAR फाइंड करते हैं, OAR इन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट विल बी बेस्ड ऑन द बजटेड ओवरहेड एंड बजटेड एक्टिविटी लेवल, यानी किस बेस पे होता है, बजटेड ओवरहेड्स के ऊपर और बजटेड बेस ये बजटेड एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंगली वो चल रहा होता है। बट एक्चुअल ओवरहेड कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द बजटेड एक्टिविटी लेवल, सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ बजटेड ओवरहेड एंड एक्चुअल ओवरहेड देयर कैन बी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड, और मे बी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल एक्टिविटी लेवल एंड बजटेड एक्टिविटी लेवल देयर कैन बी द अंडर डिफरेंस बिटवीन द ओवरहेड एंड दैट मे बी द अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, ठीक होगी बात। सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे एक एक लाइन में जल्दी जरा क्विकली, मैंने नया चैप्टर स्टार्ट करना था लेकिन मैंने चलो पास्ट मिलता जुलता क्वेश्चन, ये वैसे हमने किए हुए क्वेश्चन ये उसी तरह के, कोई नई चीज इसमें नहीं होगी, बट यू शुड ट्राई। हरिएफ 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 रिप्लाई नहीं मुझे अभी तक आया, कोई किसी बच्चे ने लिखा नहीं मुझे, एटलीस्ट एक एक लाइन में मुझे रिप्लाई करें जल्दी, फिर हम आगे चलना हमें। अंडर एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो, एक मिनट सब लोग रिटर्न में लिख के मुझे रिप्लाई करें, ठीक है काइंडली सब लोग मुझे लिख के रिटर्न में मुझे रिप्लाई करें काइंडली, ठीक है। ठीक हो गया चले। अच्छा अंडर एब्जॉर्प्शन मींस दैट मोर एक्चुअल ओवरहेड्स वर इनकर्ड देन एक्सपेक्टेड, देखें उसने खाली आपको अंडर का नहीं पूछा, उसने पूछा अंडर और ओवर दोनों का बताएं क्या होता है। हमने बताना है कि बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स में फर्क आता है, ओएआर इज बजटेड, ओएआर हमारे पास बजटेड की बेस पे होता है हमारे पास, और एक्चुअल ओवरहेड जो है वो बजटेड से डिफरेंट हो सकते हैं। सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स एंड बजटेड ओवरहेड्स देयर कैन बी द ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, ये बताने बाद आप हाँ जी एक्चुअल ओवरहेड बताया हुआ यहाँ पे, एक्चुअल ओवरहेड कैन बी ग्रेटर देन द बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू अंडर। अब आप सब लोग अंडर एब्जॉर्ब पे क्यों बात करें, ओवर पे क्यों नहीं बात करें, कि सवाल में पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, दोनों के उससे पूछा हुआ, तो हमने दोनों भी बात करनी कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स और बजटेड ओवरहेड्स में डिफरेंस हो सकता है, ड्यू टू दैट डिफरेंस हमारे पास ओवरहेड अंडर भी होते हैं या ओवर भी एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। हाँ जी बेटा ठीक होगी बात, आई थिंक सबको ये बात समझ आ गई, डन ये आप लोग लिख लेंगे सब, यही बताना आपने कि एक्चुअल ओवरहेड जो होते हैं और जो बजटेड ओवरहेड होते हैं ये फर्क होता है, ओएआर की बेस पे हम ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करवाते हैं, ओएआर सब कुछ बजटेड की बेस पे होता है,
जबकि एक्चुअल हमारी एक्टिविटी या एक्चुअल ओवरहेड डिफरेंट हो सकते हैं। इसकी वजह से ओवरहेड हम अंडर एब्जॉर्ब भी बाज का करवा देते हैं और बाज का ये ओवर एब्जॉर्ब भी करवा रहे होते हैं। आई थिंक इट इज डन, ये आप लिख लेंगे। अब बी सी रिक्वायरमेंट पे देखें जरा, बी तो है ही नहीं, सी रिक्वायरमेंट पे देखें जरा, आपने स्टेटमेंट बनानी यार। अच्छा मुझे ये हमने कल डिस्कस भी की थी ये बात, मुझे ये बताएंगे आप, हम ओपनिंग स्टॉक को हम देखें मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू जब बनाने थे, मैंने खाली कौन सी कॉस्ट देनी है, वेरिएबल कॉस्ट, ये तो एब्जॉर्प्शन के थ्रू बनी हुई है। यानी यहां पे जो मुझे सवाल के अंदर एक तो सेल यूनिट्स दी है, मतलब सिंपल में सेल यूनिट्स ले लूंगा उसकी वैल्यू भी लिख लूंगा, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स भी दी है, ओपनिंग की वैल्यू दी हुई, कितनी वैल्यू दी यहां पे। हाँ जी बेटा, ओपनिंग की क्या वैल्यू गिवन है मेरे पास यहां पे, ओपनिंग की जो मेरे पास वैल्यू गिवन है दैट इज 5400 की मेरे पास वैल्यू गिवन है। अब ये 5400 में क्या है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, तो मैंने फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लेनी है और फिक्स कॉस्ट को यहां से मैंने माइनस करवा लेना है। मैं उसका एक आइडिया देता हूं आपको, ओपनिंग को आपने किसकी बेस पे करना है, पिछले साल की क्लोजिंग की बेस पे। तो पिछले साल का क्लोजिंग कैसे हो रहा होगा, वो 2014 का डेटा हमारे पास कुछ गिवन है, इसकी बेस पे चल रहा होगा। तो इसकी बेस पे मैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लूंगा, उस रेट को निकाल के तो मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा उस रेट को निकाल के, और उसको यहां पे हम ट्रीट कर देंगे जनाब। यानी ओपनिंग को हम ट्रीट करेंगे 2014 के रेट के अकॉर्डिंगली, और जबकि क्लोजिंग स्टॉक हम जो ट्रीट करेंगे वो हम 2015 के अकॉर्डिंगली। ये कल भी हमने बात डिस्कस की थी कि ओपनिंग क्लोजिंग यहां पे फर्क होता है, डिफरेंस होता है, तो उस डिफरेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो ये डिस्कशन हमने कल की थी जनाब। तो ये वही डिस्कशन की फिर बात आ गई है। देखिए जनाब हमारे पास कितने ओवरहेड्स हैं, हमारे पास ओयर के, ओयर का फॉर्मूला क्या होता है, हम ओयर में लेते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो देखिए सवाल में, हाँ जी बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं, अब 2014 का मेरे पास एक्चुअल डेटा गिवन है बेटा, जब बजटेड नहीं गिवन है मेरे पास एक्चुअली गिवन है, तो मैं एक्चुअल को यहां पर अप्लाई कर दूंगा, एक्चुअल को यहां पर ट्रीट कर दूंगा जनाब। तो क्या आएगी वैल्यू, किस तरह से हम ये इसको ट्रीट करेंगे जनाब। हाँ जी बेटा मैं एक थोड़ा आइडिया आपको इसमें करके दिखाता हूं, चलें लेकिन एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी कितनी थी हमारे पास, ये 3600, ये 3600 दिया हुआ हमारे पास वैल्यू, ठीक हो गया। ये थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, 36 ये 100,000 है यार, ये 100 नहीं है, ये 1000 कर लें, इसको थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल थोड़े थोड़े एरर हैं इसके अंदर। और ये भी थोड़ा सा ठीक कर लें, ये क्या है बेसिकली, ये है इसमें भी ये वैल्यू लिखें 4050,000 आ जाएगा अगर आपके पास ये सवाल है। वैसे हम जैसा ये डेटा गिवन मैं इसके अकॉर्डिंगली भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, हमने तो अंडरस्टैंड करना है, जैसे भी सवाल जो भी डेटा गिवन हो तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, हमारे लिए कोई मसला नहीं है इसको भी। तो मैं वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आप इसको इस तरह से कर लें, आई थिंक एक्चुअल जो सवाल था उसमें ये वैल्यूज थी। अब इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको बेटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये करना है बेटा कि हमारे पास ये पूरी स्टेटमेंट बनी हुई है, ये पूरी स्टेटमेंट बेटा आपके सामने देखिए ये बना हुआ पूरा, लेकिन ये किसके थ्रू बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बना हुआ है। मैंने किसके थ्रू बनाना है, अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग बनाना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए क्या करना है, मैंने इसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल है, तो मैंने फिक्स कॉस्ट निकाल के उसको यहां से माइनस करवाना है ताकि बाकी खाली क्या रह जाए, वेरिएबल कॉस्ट रह जाए। तो ठीक है, एक तो मेरे पास सेल आ जाएगी, सेल तो वैसे की वैसे ही आ जाएगी, सेल में तो कोई मसला ही नहीं, 56 ये 580 ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। थोड़ी सी स्टेटमेंट के साथ बनाता जाता हूं यहां पर, एक मिनट यार ये क्या हो चले, स्टेटमेंट बना लेते हैं यहां पर लेंगे बेटा। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सेल, हाँ जी सवाल में कितनी सेल थी आपके सामने, आई थिंक 5680 था, ठीक है चले जी वो लिख देता हूँ, 5680। अब लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल में हमारे पास हमने क्या लेना है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेना हमने यहाँ पे, तो ओपनिंग में एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग में एंट्री हमने इनको इस तरह से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री,
मतलब यह है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो गिवन तो है, प्रोडक्शन भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, लेकिन इसमें क्या चीजें शामिल है, इसमें हमारे पास फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल। तो फिक्स कॉस्ट को हमें यहां पे कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट यहां पे हमने कैलकुलेट करके उसको यहां पे हमने अप्लाई करवाना है। तो क्या करते हैं, थोड़ा मैं आइडिया दे दूंगा आपके पहले, यहां पे हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम ओएआर फाइंड करते हैं, हम लेते हैं बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ठीक हो गया बात बेटा? हाँ जी, बजटेड ओवरहेड सवाल में कितने गिवन थे, सवाल पे जाता हूं जी। बजटेड ओवरहेड हमारे पास, मैं इसको क्यों कर लेता हूं, ये 3600 ही, मैं इसको 3600 कर लेता हूं। चले ये जो वैल्यू में इसकी बेटा बात कर रहा हूं, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये 3600 में इसको कर लेता हूं, तो 3600 बेटा इसको कर लेते हैं, तो ठीक है 3600 आ गया, ये 3600 आ गया बेटा। डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या हमारे पास, बजटेड एक्टिव लेवल क्या हमारे पास, ये बजटेड एक्टिव लेवल हमारे यहाँ पे हम मशीन आवर्स ले लेते हैं, ये जो भी बेस हमारे पास गिवन है वो ले लेते हैं। तो ठीक है, सवाल पे जाता हूं मैं, जरा क्या कह रहा है सवाल के अंदर, सवाल के अंदर आपके सामने क्या चीज दी हुई यहाँ पे सवाल में बेटा, हमारे पास ये उसे मेंशन किया हुआ है, हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है, दिस इज 50,000। ठीक हो गया, अवेलेबल कैपेसिटी 50,000 की है, जबकि हम नॉर्मली कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, वो 90% है। तो 50,000 का 90% ले लें बेटा, क्या आता है, 50,000 के लिए 90%, जल्दी क्विकली रिप्लाई करें मुझे जरा, हरिये फरिये, 50,000 का 90%, ये 50,000 बेटा, इसका 90% लिया, तो क्या है मेरे पास, 45,000 आ गया, डन हो गया, क्यों जी 45,000 आ गया, इट इज डन, डन हो गया। अच्छा, इसमें भी ये है कि ये 45,000 क्या है, ये मशीन आवर्स है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स चाहिए, मैं थोड़ा उस पर चला जाता हूँ, एग्जैक्टली यूनिट के, मैं यूनिट के अकॉर्डिंग निकालना चाह रहा हूँ ना, तो मैं यूनिट के अकॉर्डिंग चला जाता हूँ कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट, इसमें हमने जो ओपनिंग स्टॉक यूनिट के बनाया हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे 45,000 से डिवाइड करूंगा तो ये रेट पर क्या निकलेगा, ये रेट पर मशीन आवर निकलेगा। चलिए इस तरह से भी कर सकते हैं, करें डिवाइड इसको, ओ आर क्या निकलता है हमारे पास, फिक्स ओवरहेड्स पर मशीन आवर कितने निकलते हैं, जल्दी हरी अप हरी अप, ये 3600 ये हमें सवाल में, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ओपनिंग स्टॉक का कैसे वैल्यू करना है हमने यहाँ पे, ये 3600 सवाल में गिवन था, और एक्टिविटी लेवल कितना है उसे बताया हुआ है कि हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी 50,000 है, नॉर्मली कितनी हमें हमेशा नॉर्मली यूज करनी है, दैट इज 90%, तो इसका 90% ये, तो बजट ओवरहेड्स को मैंने बजट एक्टिव लेवल से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आ रही मेरे पास, जल्दी हरी अप, सब लोग बेटा काइंडली क्विकली क्विकली रिप्लाई करेंगे, 80 आ गए सब, ठीक हो गए ना आप, 80 पर मशीन आवर। अब ये कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर चाहिए, 10 चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 800 आ गए, इसका मतलब हमने एक यूनिट के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी अब्सॉर्ब करवाई हुई है, 800 की कॉस्ट अब्सॉर्ब करवाई हुई है, एक यूनिट के अंदर कितनी कॉस्ट हमने अब्सॉर्ब करवाई हुई है, 800 की कॉस्ट हमने अब्सॉर्ब करवाई हुई है। तो ये जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे 800 का है, ये पर यूनिट है मेरे पास 800 है। अब 800 को अगर मैं 1000 में कन्वर्ट करूं, चलें, यानी 800 को मैं यूं लिख सकता हूं कि ये कितने 1000 है, ये 0.8000 लिख सकता हूं, क्योंकि सारी वैल्यू ना जो सवाल में 1000 में चल रही, तो मैं 1000 के अकॉर्डिंग चला जाता हूं, ये सवाल में आपके पास ये जो बजट बना हुआ जिसमें बना हुआ है ये 1000 में बना हुआ, ये 1000 में बना, तो इसके मैं सारी वर्किंग 1000 में ले जाता हूं। ऑपरिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स मेरे पास, 600 यूनिट्स है, तो 600 यूनिट्स है, ठीक है बेटा लेंगे, सवाल पे जा रहा हूं, ये 600 यूनिट्स है, और एक यूनिट के अंदर फिक्स कॉस्ट कितने 1000 की शामिल है, 0.8000 की है, तो 0.8000 ये ले वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको ऑपरिंग स्टॉक में से माइनस करें, यानी मैं यू लिख देता हूं यहां पे, बेसिकली मैं कैसे लिखूंगा इसको, मैं इसको यू लिखूंगा बेटा, मैं लूंगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना सवाल में, ये हम लिख देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री है, ये सवाल में देखता हूं ओपनिंग इन्वेंट्री किस पे वैल्यू की हुई, 5400, तो ठीक है यहां लिखता हूं 5400 माइनस ये फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट मैंने यहां से माइनस करवा दी, हाँ जी क्या आई वैल्यू आ रही मेरे पास, यहां तक कॉन्सेप्ट सबको समझ आया कि नहीं आया, मेन थिंग इज दैट हमने करना क्या है कि जो ओपनिंग स्टॉक है इसमें फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों शामिल है, हमने इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बना लिया हुआ पहले, अब हम इसको मार्जिनल के थ्रू बना रहे हैं, तो मार्जिन में खाली क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट,
तो फिक्स कॉस्ट मैंने कैलकुलेट करके, यानी पर यूनिट, एक यूनिट की कितनी फिक्स कॉस्ट है वो मैंने कैलकुलेट करके उसको 600 यूनिट्स की जो ओपनिंग यूनिट्स हैं, 600 की ओपनिंग इन्वेंट्री है, पर यूनिट की मैंने कैलकुलेट करके फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट निकाली है, तो टोटल कॉस्ट में से मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी है, बाकी रिमेनिंग मेरे पास खाली क्या रह गया है, बाकी रिमेनिंग मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू रह गई है। क्यों जी, ये बात समझ आती है सबको? सवाल की बात पिक होती है, कल हमने जो सवाल बनाया था उसमें मैंने पूरी बना के दिखाई थी आपको, आज मैं कह रहा हूं एब्जॉर्प्शन के थ्रू बना हुआ है, हमने उसको मार्जिन में कन्वर्ट करना है। यही अगर मार्जिन के थ्रू बना होता तो ये मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालता, फिक्स कॉस्ट टोटल में निकालता, वो मैं जाके वेरिएबल में ऐड कर देता तो वो टोटल बन जाता हमारे पास। तो मैंने कैसे किया, मैंने कहा बजट ओवरहेड पिछले साल के दिए में 2014 के, ओपनिंग को हमेशा पिछले पे वैल्यू करते हैं, तो पिछले को बजट ओवरहेड दिए में, बजट एक्टिव लेवल बताया हुआ सवाल में कि 50,000 नॉर्मल मशीन आवर्स है, कैपेसिटी हमारी नॉर्मल 45 हमारे पास 90% है, 90% लिया तो हमारे पास 45,000 आ गए, तो बजट ओवरहेड डिवाइड बाय बजट एक्टिव लेवल, तो ओएआर कितना निकला हमारे पास 80 पर मशीन आवर, एक मशीन आवर की तो ये 80 का होता है, तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर लगते हैं, 10 लगते हैं, मल्टीप्लाई 10 से कर लिया हमने, तो ये 800 की हमारे पास कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। मैंने कहा इसको 1000 में कर लेते हैं, क्योंकि पूरा सवाल 1000 में चल रहा है, तो मैंने कहा 0.8000 है फिर, तो कितने ओपनिंग स्टॉक है 600 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई 0.8 किया तो ये फिक्स कॉस्ट निकलाई, तो टोटल कॉस्ट में से मैंने इसको माइनस करवाया तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई है 4920, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 4920 आ रहा है। हाँ जी बेटा, यहां तक सबको बात पिक होगी कि नहीं होगी? मेन समझने में बात यही थी, आगे बात बाकी सारी बातें आसान है, कोई मसला नहीं है। Is it clear? सबको मुझे सब लोग जल्दी क्विकली रिप्लाई करें, मुझे आगे चलना है। हरी अप क्विकली डन, चलें ये बात समझ आ गई। लेकिन 4920 की हमारे पास ये ओपनिंग स्टॉक निकला है, चलें आगे चलता हूं मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या करता हूं यहां से, अब मैं प्रोडक्शन निकालता हूं, तो प्रोडक्शन की तो बताई होगी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी, नहीं ठीक होगी बात। अब मैं प्रोडक्शन की बात कर लेता हूं, चले लें जी प्रोडक्शन। हाँ जी, प्रोडक्शन की कितनी कॉस्ट है सवाल में देखें यार, ये 44325 दी हुई आपके सामने, ये 44325 टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो ठीक है 44325 लिख देता हूं मैं, 44325 ठीक हो गया। अब प्रोडक्शन के दौरान टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी बेटा, अब सवाल में, अब इस साल की हमें यहां पर लेनी है, तो ये नॉर्मली क्या होना चाहिए था यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, हम इस तरह से इसको ट्रीट करते कि यार ये 2000 हमारे इस साल में कितनी इंक्रीज है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करते, तब यहाँ पे वो गिवन नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली गिवन नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये वैल्यू ये गिवन है, ये 400,000 है, ये चार, ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास, ये जैसे मैंने इसको 3600 करवाया ना, आप इसको क्या कर लें, आप इसको 4050,000 कर लें इसको, ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली, ये फिगर यहां पर गलत आ रही है समझ लें आप, कि 40 हमारे पास ये 4050,000 में है, ठीक हो गया। ये मैं सिर्फ करेक्शन करवाई आपको, ये जरूरी नहीं है आप जैसा सवाल दिया हुआ मैं वैसा भी सॉल्व कर सकता हूं, मसला नहीं है, लेकिन कुछ वैल्यू 1000 में चल रही है, कुछ 100 में चल रही तो गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं इसलिए इसको इस तरह से लेके चल रहा हूं, तो ये 4050,000 है, ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर हुआ हुआ थोड़ा इसमें, तो ये फिगर यहाँ पे 4050,000 आ रही है, तो ठीक है, अगर 4050,000 है तो 1000 को अगर मैं गाइड करूं तो बाकी क्या बचता है, 4050, तो 4050 बचता है, तो ठीक है जनाब हम सवाल पे जाते हैं, ये 4050 उसने बता दिया है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन पे इतनी लगी है, तो फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस करा दी, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या आएगा, जल्दी क्विकली मुझे करके दिखाए। हाँ जी बेटा, अब इसमें सोचने वाली बात नहीं, सोचते नहीं रह जाएगा कि सर ने क्या किया, मैंने सिर्फ बताया कि ये एरर है, टाइप ये एरर है सवाल के अंदर, ये वैल्यू असल में ये इस तरह से आती है 4050,000 आती है, बस ये मैंने आपको बताया, नथिंग एल्स। जल्दी मुझे बताएगा कि प्रोडक्शन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करवाए बाकी क्या है वैल्यू, 40275, तो ये आ गया मेरे पास 40275, ये ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग को कैसे वैल्यू करेंगे यार, तो फिर वही बात, जल्दी से करके दिखाता हूं आपको, हम क्या निकालते हैं, हम ओएआर निकालते हैं, ठीक हो गया जी, ओएआर निकला है हम जी, वो क्या होता है बजट ओवरहेड डिवाइड बाय बजट एक्टिविटी लेवल, ठीक हो गया। बजट ओवरहेड कितने हमारे पास इस साल, इस साल की, वो मैंने अभी आपको लिखवाया कि 4050,000 है,
ठीक हो गया बैचलर, और बैचलर एक्टिव लेवल कितना है वो वही है 90% इनटू द 50,000 जो नॉर्मल कैपेसिटी है हमारी, तो ठीक है ये 4050,000 कर लें इसको, डिवाइड कर लें इसको किसके साथ, वही नॉर्मल कैपेसिटी 45,000 के साथ, जल्दी रेट निकालें, क्या रेट ओआर क्या निकलता है मेरे पास, जल्दी जल्दी स्पीड ले बेटा, वही उसी तरह से। तो फर्क क्या है कि पहले मैं हमने ओपनिंग को वैल्यू करना है पिछले डेटा पे और क्लोजिंग को वैल्यू करना है करंट डेटा पे, तो करंट में ये वैल्यू आ रही है 90 आ गई मैम, डन 90 ओआर 90 क्या है, 90 इज व्हाट, 90 पर मशीन आवर, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने मशीन आवर लग रहे हैं 2015 में देखे जाके, उसमें भी 10 आवर्स लग रहे हैं, ये दिया हुआ है ये 10 आवर्स, तो उसमें भी 10 आवर्स नहीं है, तो ठीक है सवाल पे जाता हूं मैं वापस, तो 10 आवर्स उसमें चल रहे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, अगर मैं 1000 में बोलूं तो वैल्यू क्या होगी 0.9000, अगर 1000 में लिखा जाए इसको, तो मैं क्या करता हूं यहां क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी, सवाल में दी जल्दी जरा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पे 4925000 ये देखो, और 500 यूनिट से 4925, तो 4925 इसमें से माइनस करने 500 यूनिट्स हैं, पर यूनिट हमारे पास कितने 1000 की 0.9 की है, लेंगे इसमें से ये माइनस कर लें, यानी मैंने फिक्स कॉस्ट निकाली 0.9000 पर यूनिट है, 500 यूनिट्स हैं, 500 को मल्टीप्लाई किया तो ये फिक्स कॉस्ट निकल आएगी, टोटल कॉस्ट में से फिक्स माइनस करें तो मीनिंग विल बी द वेरिएबल, क्या वैल्यू आ रही है डन 4475। अच्छा ये बात सबको समझ आ गई, इज इट डन बेटा, सिर्फ मैंने कल क्या किया था एब्जॉर्प्शन मार्जिन दोनों के थ्रू कॉस्ट निकाल के चार्ज करा था, आज मैं क्या कर रहा हूं बात वही है कि ओपनिंग को पिछली कॉस्ट को वैल्यू करना है, क्लोजिंग को करंट कॉस्ट को वैल्यू करना है यहाँ पे, अब मैं खाली फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं, टोटल कॉस्ट को फिक्स माइनस करवा रहा हूं ताकि मेरे पास रिमेनिंग जस्ट क्या रह जाए वेरिएबल कॉस्ट, इज इट डन, सबको बात समझ आ गई, डन हो गए जनाब, आप आगे चलते हैं यहाँ पे, नहीं आगे सवाल आप कर लेंगे हो जाएगा, आप ओपनिंग में से माइनस करें जल्दी जरा, किसको माइनस करना है देखिए जरा, आपने यू करना है इसको बेटा, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, ये इसको नेट ऑफ करके इन तीनों को नेट ऑफ करके वैल्यू निकालें क्या निकलती है, वो वैल्यू यहां पुट करें उसको माइनस करें, ओपनिंग लें प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग करें, क्या आता है जल्दी जल्दी जल्दी, कंट्रीब्यूशन निकालनी है हमने, जिस तरह हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला था सर, इस तरह हम प्रोडक्शन क्यों नहीं निकाल सकते, प्रोडक्शन निकालना क्यों हमें, मतलब सर उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है ना, तो फिक्स कॉस्ट जो से आप 800 हमने रेट निकाला था उसके तहत हम जो से उसको मल्टीप्लाई करके उसको माइनस क्यों नहीं कर सकते, ओपनिंग स्टॉक ने प्रीवियस वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है जब लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है जी ठीक है, वो तो वो तो लास्ट की कॉस्ट पे वैल्यू होगा, तो प्रोडक्शन तो करंट ईयर में हुई ना, लास्ट ईयर में तो नहीं ना हुई, करंट ईयर में प्रोडक्शन हुई, तो करंट ईयर के दौरान जो फिक्स टोटल कॉस्ट लगी है वो टोटल प्रोडक्शन पे लगी है, तो टोटल प्रोडक्शन में से टोटल फिक्स कॉस्ट सिंपली माइनस हो जाएगी, ठीक है लेकिन अब ये सवाल है कि मैं क्लोजिंग को क्यों नहीं इस पे वैल्यू कर रहा, क्योंकि क्लोजिंग के लिए मैं करंट की वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है अब प्रोडक्शन के लिए हमें रेट नहीं निकालना होता, प्रोडक्शन के लिए हम कहते हैं टोटल प्रोडक्शन कितनी कॉस्ट लगी, ये इस टोटल कॉस्ट में से फिक्स कितना वेरिएबल कितना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस कर दी, अब स्टॉक के लिए मुझे रेट निकालना है क्यों, क्योंकि स्टॉक के सारे यूनिट सेल नहीं हुए, कुछ यूनिट बचे हुए, इसलिए पर यूनिट रेट निकाल के उसको चलाते हैं, अब करंट जो रेट मैंने रेट निकाला था 0.9000 का, कि 0.9000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ 45,000 के साथ, तो यही फिक्स कॉस्ट निकलेगी, यानी ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, बड़े मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है 4050,000 की कैसे आया हुआ, मैं यूं भी लिख सकता हूं कि करंट का रेट कितना है 0.9000 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है, और करंट ही मैंने प्रोडक्शन कितनी की है, मैंने 45 मेरी कैपेसिटी कितनी थी तो 4500 की थी, तो
45,000 कर लेंगे, मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करने कराने के बाद आंसर आपके पास अल्टीमेटली यही निकलेगा, ये 4050 ही आ रहा होगा, यही आपके पास आंसर निकलेगा। ठीक हो गया, अब हमने सेल में से ये टोटल माइनस कर जल्दी सा 40720 वेट 40720 बेटा, मेन बात जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई बेटा वो यही बार बार कल भी पढ़ाया आपको कि ओपनिंग स्टॉक को जो वैल्यू करना है फिक्स और वेरिएबल कौन सा लेना है, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो जिस पे वैल्यू हुआ था उसमें जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट थी, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको करंट कॉस्ट इस साल में जो लगाई जा रही है उस पर हमने वैल्यू करना है। सर क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट गिवन है उसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ उसमें, क्या है वो रेट, अगर आप रेट वो चला भी ले तो क्या रेट दिया हुआ हमारे पास, और एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट पर यूनिट दिया हुआ हमारे पास, हमें बताया हुआ कि मशीन आवर्स है, तो हमें मशीन आवर्स बेस बताई भी उसने यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है, तो मैं मशीन आवर्स की बेस पे चलूंगा, मैं उसके उस पर यूनिट की बेस पे नहीं चलूंगा, मैं अपना रेट खुद निकालूंगा और रेट निकाल के उसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक होगी बात बेटा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रेट खुद बनाऊंगा कि मेरे पास रेट कितना है और उस रेट को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 2014 का तो क्लोजिंग चलाना था हमने और इस साल का हमने उस तरह से करंट की रेट पे चलाना है उसको। अच्छा जल्दी सेल में से ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग सबको माइनस किया कितना आया हमारे पास, कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही 15860 डन, ये भी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है, और प्रोडक्शन के अलावा बाकी किसी डिपार्टमेंट में अगर वेरिएबल कॉस्ट लगाई जा रही वो कौन कौन सी कॉस्ट, हाँ जी सेलिंग एडमिन की बताया हुआ यहाँ पे, ये जैसे ये सवाल में बताया हुआ आपको, अगर आप यहां बेटा देखें ये दिया हुआ है, ये 30% फिक्स है, 30% फिक्स है तो 70% फिक्स क्या होगी ये, हाँ जी बेटा अगर ये 30% फिक्स है तो 70% इसका क्या होगा, ये एक्चुअल है, मैं यहां इसकी बात कर रहा हूं 5250 यानी हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो कॉस्ट लगाई जा रही है बजट 2015 में कितनी लगाई जा रही है हमारे पास, हमने ये सेल ले लिया, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्शन क्लोजिंग ये भी ले लिया, अब इसकी बारी थी कि सेलिंग एडमिन, तो ठीक है पहले हमें क्या करते हैं इसका 70% माइनस करते हैं, तो 5250 का 70% तो 5250 पहले इसका 70% नहीं देता ना, ये वेरिएबल सेलिंग एंड कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं, इसका 70% क्या आता 3672, देखिए सब लोग यही आ रहा है, माइनस कर ले, अब ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ले 75, चले 5 कर लेते 3675 कर ले बेटा 75 कर ले इसको, 75 माइनस करें यहां से, हरिये भरिये भरिये अब इसको ये माइनस कराएं, माइनस किया हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा ये 70% क्या था, ये वेरिएबल था, बाकी 30% क्या है वो फिक्स है, तो फिक्स बाद में माइनस कर दें, तो 5250 उसका 30% फिक्स था, एक तो ये फिक्स कॉस्ट है इसको माइनस कराएं, जल्दी से इसका माइनस करें, बाकी क्या बनता है, यही आ रहा 12185 आई थिंक ये आ रहा है 12185 डन हो गया, दिस इज 1 to 1 दिस इज 12,000 हमारे पास है, ये दुनिया आ रही है तो ये, हाँ जी 12185 उसमें से ये हमने अब क्या किया है, हमने ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर, और इसके अलावा फिक्स कॉस्ट और मैंने अभी बात की थी प्रोडक्शन के अंदर जो फिक्स कॉस्ट दी भी सवाल में वो ले लेंगे यहाँ पे, तो प्रोडक्शन के अंदर फिक्स कॉस्ट कितनी दी भी थी, ये अभी हमें माइनस की 4050,000 तो ये 4050,000 यहाँ से माइनस करा दें, तो ये 4050,000 माइनस करा दें, ये भी फिक्स था, ये प्रोडक्शन की फिक्स थी, वो ये क्या थी, ये सेलिंग डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट थी, सेलिंग फिक्स कॉस्ट थी, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की फिक्स कॉस्ट है, तो ये प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट वो भी माइनस कर देंगे, सब कुछ माइनस किया तो ये आंसर जो आएगा अब आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्ट,
That will be according to the marginal cost. And the cap profit is 6560. ये मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 6560 का मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है जनाब. इज इट डन? यहां तक कोई मसला भी? सर क्लोजिंग स्टॉक का फिक्स पोर्शन लेफ्ट नहीं करेंगे यार. किया क्लोजिंग स्टॉक का फिक्स पोर्शन, ये क्या निकाला हमने यार? कहां होते हैं यार बच्चे यार? ये क्या किया हमने क्लोजिंग स्टॉक का फिक्स पोर्शन? ये क्या है? ये पहले ओपनिंग का माइनस कराया मैंने, ये प्रोडक्शन का माइनस कराया, ये आपके सामने. हाँ बेटा, ये आपके सामने है, यू कैन सी. ये क्या है? दिस इज व्हाट. और प्रॉफिट से लेस कैसे होता है यार? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं इसको. ये माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया हमने यहां पे, फिर वैल्यू आई, ये कॉस्ट ऑफ सेल है. ये तो आपने बनाई होगी बहुत ऑफ इनकम स्टेटमेंट. ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आता है. सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आता है. ये कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस होता है बेटा. बच्चे करो. नो सर, लास्ट स्टेप बेटा. लास्ट स्टेप में जो हमने फिक्स कॉस्ट माइनस की, वो टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी. वो तो वहां से टोटल फिक्स कॉस्ट ही माइनस होती है. वहां से हम ये थोड़ी करेंगे पहले ओपनिंग की कर लें, फिर प्रोडक्शन की कर लें, फिर हम क्लोजिंग की कर लें, ऐसा नहीं होगा बेटा. वो टोटल फिक्स कॉस्ट हम यहां से, ये टोटल है इस साल की जैसे, और ये टोटल मैंने 405 वहां जाके एक ही दफा मैंने माइनस कर दिया. ठीक हो गया. चलें जी आगे चलते हैं. हाँ जी, रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जल्दी रीड आउट करें, जल्दी जल्दी जल्दी. दिस इज नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास? कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द बजटेड प्रॉफिट्स, एब्जॉर्प्शन मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को एनालाइज करना है. आप नहीं जनरलाइज कर दें, बता दें यहाँ पे कैसे आ रहा होगा. थोड़ा मैं हिंट कराता हूँ आपको, एक मिनट. चलिए पहले आप दो मिनट सोचिए, पहले खुद से थिंक अबाउट दैट. यानी हमने क्या करना है, आप अभी क्या प्रॉफिट निकाले? रिकंसिलिएशन करनी है आपने, वही हमारे पास रिकनसाइल करना है. अब एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकला है, मार्जिन का निकला है, एब्जॉर्प्शन का गिवन था, तो कोई एक प्रॉफिट ऊपर रखें, एडजस्टमेंट करें इसमें. ओपनिंग स्टॉक इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कर लें, फिर क्लोजिंग स्टॉक इनटू फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कर लें. नीचे आंसर निकलेगा. पहले एक मिनट ले सोचें इसको खुद से, ट्राई, यू शुड ट्राई. हाँ जी, क्या करते हैं यहां पे, हम स्टेटमेंट बनाता हूं आपके सामने. चलो चलिए स्टेटमेंट बनाता हूं आपके सामने. अगर एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन हो, हाँ जी बताए ना मुझे. नहीं बेटा, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट गिवन है आपके पास. ठीक है, अब यहां पे लें ओपनिंग स्टॉक कितना है,
इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ले रहे हैं आप यहां पे, ऐसा कर लें, क्लोजिंग स्टॉक इनटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर ले। ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, वो चेंज स्टॉक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों का फिक्स कॉस्ट में ज्यादा फर्क है, दोनों के अलग अलग है। तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ये आ रहा होगा। लेंगे अब इसमें जैसे आपने फॉर्मूल में क्या वैल्यू पुट करनी है, ये सवाल आपके सामने ये वाला, ये सवाल आपके सामने है, आपने वैल्यू पुट करनी है, जल्दी वैल्यू पुट करें, बिकॉज ओ आर डिफरेंस है। बिल्कुल वैल्यू जल्दी पुट करें, हरी अब खुद से ट्राई करें बेटा, जल्दी जल्दी क्विकली। यार कि कौन सा एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है मेरे पास, एक बच्चा पूछ रहा है कि आपके पास पैक हैंडबुक एडिशन कौन सा लेटेस्ट है। यार आई थिंक सो हाँ, ये सवाल पे देखते हैं, सवाल पे देखें बड़े सवाल पे। आइयो अभी चले एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट बता लेते हैं, सवाल में क्या था एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट, ये था 6530, चले यू कर लेते हैं 6530 ना, ये आपके सामने, ये बड़ा आपके सामने, दिस इज 6530, चले 6530 लिखता हूं यहां पे। हाँ जी 6530 लिखें यहां पे, 6530 6530। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, देखिए सवाल में हमने ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 600 है, क्लोजिंग स्टॉक के 500 है, फाइन डन 600 और ये 500 है। ओपनिंग स्टॉक का रेट मैंने क्या निकाला था, अभी मैं रेट वापस चलता होगा, ये मैंने रेट यहां निकाले हुए थे रेट, ये ओपनिंग स्टॉक को मैं किस पे ओआर फिर चला रहा था 0.8 के ऊपर, दिस इज ये समय पर 0.8 और क्लोजिंग स्टॉक को 0.9 के ऊपर, डन 0.8 और 0.9 नहीं जल्दी पुट करें, यहां पे आएगा 0.8 यहां आएगा 0.9, ले ये आप वैल्यू पुट कर लें, आंसर आपके पास निकल आएगा, आई थिंक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, 480 आ जाएगा, 450 आ जाएगा आंसर जो आपका था, ये जो मार्जिन का प्रॉफिट कितना था यार, यही फर्क होगा, सिक्स फाइव सिक्स जीरो डार्क विल बी योर आंसर, डन। कोई मसला इसमें यार, सवाल क्लियर, इज इट क्लियर। अभी हमें बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, मैं टाइम को मैनेज बस करने की कोशिश कर रहा हूं, सवाल तो हमने बहुत से करने हैं। अच्छा यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा, कोई मसला, आई डिड नॉट अटेंड दिस वीक लेक्चर्स ड्यू टू द डेथ ऑफ माय कजन, लेक्चर्स इज नॉट अपडेटेड। अच्छा खैर मैं कहूंगा उनसे अपलोड कर दें यार, एक चीज मैनेजमेंट भी डाल रहा, एक बच्चा कह रहा है 4.5 काफी कॉम्प्लिकेटेड, कर लेंगे उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जो जो चीजें आप करें प्रैक्टिस करते जाएं हम उसको कर लेंगे। अच्छा खैर अभी सवाल पे आता हूं यार, ये सवाल क्लियर हो गया, डन हो गया। अब मैं चाह रहा हूं, लेटेस्ट ये सवाल है 2015 का है, ये 2014 का भी लेटेस्ट सवाल गिवर है, मैं चाह रहा हूं आप इसको ट्राई करें, ये सवाल आपके सामने बहुत आसान सवाल है यार, जैसे मैंने कल करवाया था आपको, हमने क्या करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू भी बनाना है और मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू भी बनाना है। इस सवाल को रीड आउट करें, एक दफा रीड आउट करें, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन यू विल ट्राई, आप ट्राई करेंगे रिकंसिलाइज, आपने कहता आपने अब्सॉर्प्शन मार्जिन दोनों के थ्रू आपने एक बनाना है, इसको स्टेटमेंट बनानी है और फिर वो कहता आपने रिकंसाइल करना है, जो आंसर निकल जाएंगे, निकल आएंगे आपके आंसर, आपने आंसर को फिर रिकंसाइल करना है,
हाँ जी, कल भी हमने पढ़ी थी यही बात, यही बात फिर आज है, क्या आएगी तो सवाल पढ़ ले जरा। कहते हैं एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं नाम, ठीक है सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें दिसंबर 2013 में क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दी हुई आपको, ठीक है एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 1600 है, जितने यूनिट सेल हो रहे होंगे मल्टीप्लाई करके सेल तो सिंपल निकल आएगा। डायरेक्ट मटेरियल की वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, डायरेक्ट मटेरियल 630 की है, डायरेक्ट लेबर 189 है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब इसमें बताया गया कि 40% फिक्स है, इसका 40% अलग हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमें पता है जब हम मार्जिन कॉस्टिंग बना रहे होंगे तो 40% वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस कर लेंगे, 60% फिक्स कॉस्ट बाद में माइनस कर लेंगे, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे के सारे एंड पे जाके माइनस हो रहे होंगे। बात फर्क है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का फर्क होगा। अच्छा जी, अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, ड्यूरिंग द ईयर 12,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है, 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है, ठीक हो गया। द ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स वर 4,000 एंड 3,000 यूनिट्स, ठीक हो गया, ये स्टॉक यूनिट्स आपको दे दिए। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी विच इज 15,000 यूनिट्स, ये बता दिया गया आपको सवाल में, बताया गया यानी ओएआर जो अब आपने निकालना है तो ओएआर कैसे निकालना, आपने 15,000 यूनिट्स की बेस पे निकालना है, यानी बजट ओवरहेड लेंगे वो कैसे लेंगे, तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड का 40% लेंगे ना दो, ये हमारे पास तो उसका उसकी बेस पे हम उसको यहाँ पे हमारे पास रेट जो निकलेगा वो 1500,000 यूनिट्स की बेस पे निकल रहा होगा। ओवरहेड कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 10% ओवर द प्रीवियस ईयर एंड रॉ मटेरियल एंड लेबर बाय 5%, ठीक हो गया। यानी ये जो डेटा आपको सवाल में दिया हुआ 2013 का दिया हुआ, हम बना रहे हैं किसके लिए, 2013 के लिए बना रहे हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये डाटा किस चीज का फिर दिया हुआ, डाटा भी 2013 का दिया हुआ यार, खैर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं अभी देखता हूं उसको। तो बहरहाल हमने अगर ये पिछले साल का डाटा है तो हमने इसको फिर क्या करना, अगर अगर ये पिछले साल का डाटा है और हमने करंट ईयर के लिए बनाना है तो हम इसको फिर क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को हम 5% बढ़ा देंगे, लेबर कॉस्ट को 5% बढ़ा देंगे और ओवरहेड की कॉस्ट है इसको 10% इंक्रीज कर देंगे। द कंपनी यूजेस द फाइफो मेथड ऑफ द फोर कॉस्टिंग इट्स इन्वेंट्री, वो फाइफो को यूज करेंगे, ठीक हो गया। बात फाइफो का मतलब क्या है, इसे गेम घुमाइए जरा आप जरा, चले एक दफा क्वेश्चन को रीड आउट करें और सोचें थोड़ा सा, थिंक अबाउट दैट, फिर मैं बताता हूं आपको हिंट, हिंट, हिंट करवाता हूं, देन यू विल ट्राई, थोड़ा सा सोचना है पहले आपने खुद। पहले तो आपने मुझे ये बताना है सवाल के अंदर सेल यूनिट्स कितने हैं, नहीं दिए हुए कितने में सेल हुई होंगी, यानी आपको प्रोडक्शन बताई भी 12,000 की, दिस इज गिवन द क्वेश्चन, दिस इज ये 12,000 की आपको प्रोडक्शन गिवन है, ये 4,000 का ऑफरिंग है, 3,000 की क्लोजिंग की गिवन है, सेल बतानी है आपने मुझे सबसे पहले, कितने में सेल हुई होंगी। सर मेरा ख्याल है ये ठीक उसने दिया हुआ 2013 ही होगा, क्योंकि वो बता रहा है कि ओवरहेड स्टोन से वो इंक्रीज हुए हैं 10% पिछले साल से, इसका मतलब है जो ओवरहेड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं उसमें 10% जो है वो इंक्लूडेड है, तो हमने अगर ओपनिंग निकाला तो हम जो सर उसको रिवर्स बैक करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स बैक करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही रिवर्स बैक करेंगे। हाँ जी बेटा, मैं इसमें हिंट करा दूं आपको, हिंट इसमें करवा दूं क्या है, ठीक है 13,000 की, ठीक है इतने सेल हो रहे होंगे। ये जो हमारे पास डेटा गिवन है ये 2013 का गिवन है और नीचे जो डिटेल दी हुई वो 2013 की दी हुई है, लेकिन हमें जब ओपनिंग स्टॉक वैल्यू करना है वो किस पे वैल्यू करना है, वो 2012 की बेस पे करना। ये जो सवाल के अंदर हिंट कराया हुआ हमें यहाँ पे, बिल्कुल ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय 10%, ये कब इंक्रीज हुए, ये 2013 में इंक्रीज हुई, इसका मतलब जो 2012 के होंगे
वो 10% इंक्रीज नहीं होगा, यानी इसे वो इसमें 10% इंक्रीज इंक्लूडेड है रॉ मटेरियल के अंदर और लेबर कॉस्ट में 5% इंक्रीज शामिल है। तो इसका मतलब जो पिछले साल की रॉ मटेरियल है लेबर है वो 5% कम चीपर हो गया, यानी इसके अंदर 5% इंक्लूडेड है। हम क्या करेंगे 105 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.05 से डिवाइड कर देंगे और इसको ओवरहेड्स को 1.1 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट आएगी वो पिछले साल की आ जाएगी। इससे हम अपने ओपनिंग को वैल्यू कर सकते हैं, इससे हम अपने ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक को वैल्यू करने में ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा खैर ये आपने अब ट्राई करना यार, अब आपने दिस इज योर असाइनमेंट, ये सवाल पूरा आपने खुद से देखना है। जिनके पास नहीं है हैंडबुक बेशक जल्दी से इसको नोट कर ले, नोट डाउन कर ले उसको, दिस यू विल ट्राई। ये आसान सवाल है, कोई मसला नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग के वैल्यू में बस होगा थोड़ा सा, बाकी उसी तरह से हमारे पास सीधे सीधे सेल दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हम वेरिएबल कॉस्ट का भी निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट भी लाख पे अब्सॉर्ब करवा लेंगे, और इस तरह से ओपनिंग को अलग से वैल्यू करना, क्लोजिंग को हमने अलग से वैल्यू करना। थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक की तरह है ये, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ये कल मैं इसको जो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें टुमारो आई विल डिस्कस, कल आपसे डिस्कशन होगी इसके ऊपर। पिक्चर ले लें या कुछ इसमें कर लें यार। अच्छा एक बच्चा पूछा कल क्लास है, अच्छा कल अभी सैटरडे है, कल क्लास मैं नहीं लूंगा बेटा, जस्ट इस वीक में नहीं लूंगा। मैंने मैनेजमेंट से बात की हुई कि मेरे टाइमिंग भी बढ़ा दें, मेरे सैटरडे भी ऑन कर दें। तो आई थिंक अभी क्योंकि वो स्टार्ट है, तो नेक्स्ट वीक से होपफुली मेरा सैटरडे ऑन हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक से हम सैटरडे भी ऑन कर लेंगे, और मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि मेरी क्लास को 1.5 आवर का कर लिया जाए, 1.5 घंटे का कर दिया जाए, तो मेरे पास टाइम भी ज्यादा हो ताकि मैं आसानी के साथ आपको क्वेश्चन ज्यादा करवाऊं और हम सैटरडे को और डिस्कशन करें। तो अभी क्योंकि इतना बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, तो कहते हैं ये अभी सब लोग संस लेके चल रहे, तो बच्चे को अभी कुछ कल भी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ और ज्वाइनिंग बहुत स्टूडेंट्स हो रही है, तो इसलिए कल क्लास नहीं होगी, जस्ट ऑन दिस इन दिस वीक। आई थिंक होपफुली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड सैटरडे मेरा ऑन हो जाएगा और क्लास भी मेरी 1.5 आवर की इंशाल्लाह हो जाएगी। मैंने इनसे कहा है कि टाइमिंग इंक्रीज कर दें ताकि मैं आसानी के साथ आके क्वेश्चन को पढ़ने का टाइम भी दूं, खुद करने का भी मेरा टाइम हो, बच्चे के पास भी टाइम हो। तो कल क्लास नहीं होगी। अच्छा ये आपकी असाइनमेंट, इसलिए इसको आप नोट कर लें। एक असाइनमेंट फिर आपको और दे देता हूं मैं, ये D2 है, ये एक असाइनमेंट है बेटा, इसकी पिक्चर ले लें। एक मिनट D3 में देखता हूं, D3 में क्या है यार, ये 6 मंथ वाला वही है, ये बिल्कुल वहां से क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है, कोई इसमें नहीं बात नहीं होगी। एक मिनट जरा आगे मैं देख लू जरा, इसमें क्या है, सब कुछ बना हुआ है। इसी तरह से जो हमने अभी किया, अभी हमने किया था एब्जॉर्प्शन गिवन, हमने मार्जिन निकाला है, ये मार्जिन गिवन है, एब्जॉर्प्शन निकालना है। D5 को देख लेता हूं मैं जरा, एक मिनट। 3 ये भी उसी तरह आसान ही है, क्वेश्चन बैंक में वैसे सवाल दिए हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन की यूनिट गिवन है और सेल्स की यूनिट गिवन है, तो जो बाकी बचते जाएंगे वो नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनता जाएगा, जो इस पीरियड का क्लोजिंग होगा नेक्स्ट ऑपनिंग होगा, जिसका क्लोजिंग नेक्स्ट ऑपनिंग होगा, चलता जाएगा हमारे पास। तो व्हाट यू विल डू आप फिर इसमें क्या करेंगे, ये D3 ही आपने ट्राई करना है, ठीक है, D2 और D3 आप नोट कर लें, बेशक इसको पिक्चर ले लेंगे, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, D3 भी आपने नोट करें, D3 भी आपने सॉल्व करना। नोट डाउन कर लें इसको। आई थिंक फॉर टुडे दिस इज सफिशियंट, इंशाल्लाह मंडे से ऑनवर्ड मैंने टेस्ट स्केड्यूल भी आपके प्लान किए हैं, वो भी मैंने चलाने हैं आपके। बच्चा पूछा 2006 के क्वेश्चन नहीं है, 2016 आई थिंक पूछ रहा है, 16 के भी यार जहां जहां आएंगे वो जरा एंड पे हम रखेंगे, तो मैं डिस्कशन कराऊंगा आपको एंड पे जाके, तो एंड पे 2016 के क्वेश्चन भी हम लेंगे साथ में।
हाँ जी डन, इट इज डन बेटा, यहां के लिए काफी है। तो डी टू और डी थ्री ये दोनों सवाल आपने ट्राई करने की पिक्चर ले लें, जो भी व्हाटएवर आप कर सकते हैं। ये डी थ्री तो डिक्टो क्वेश्चन बैंक वाला सवाल ही है, आई थिंक क्वेश्चन बैंक में गिवन भी है, मेरा ख्याल है ये गिवन भी है वहां पर। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम टाइमिंग भी इंक्रीज करेंगे और सैटरडे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं ऑन कर दूंगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Thank you.